हेलो, अ वार्म वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स. वेलकम बैक टू द इंग्लिश सेशन. सो टुडे वी विल स्टार्ट अ नेक्स्ट रीडर लेसन, लेसन नंबर 5, द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह. इसके बारे में आप सबने सुना होगा, सब फैमिलियर हो इस नेम से, क्योंकि इसकी फिल्म भी आ चुकी है, एक मूवी आई थी इसके रिगार्डिंग, बुक्स भी बहुत आई हुई हैं मिल्खा सिंह की. चलो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. इसकी जो स्टोरी थी, फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखते हैं. स्टार्टिंग में मिल्खा सिंह्स लाइफ एंड अचीवमेंट्स हैव इंस्पायर्ड मिलियन ऑफ यंग इंडियंस. बहुत ज़्यादा इंडियन पीपल को इम्प्रेस किया था मिल्खा सिंह की लाइफ ने. एज अ स्कूल बॉय मिल्खा हैड टू वॉक 10 किलोमीटर्स टू स्कूल. वो स्कूल बॉय था, स्कूल जाता था मतलब वो लड़का, तो उसको स्कूल पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर्स तक की वॉक करनी पड़ती थी. देन ड्यूरिंग द ड्रेडफुल वायलेंस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया. आप सबने सुनी होगी पार्टीशन के बारे में, जब इंडिया एंड पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था, डिवाइड हुए थे, दो अलग अलग देश बन चुके थे, उस टाइम की ये बात है. ही रैन अवे टू दिल्ली टू सेव हिज ओन लाइफ. वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए दिल्ली की ओर भाग पड़ा था. After he joined the army, उसके बाद उसने आर्मी को ज्वाइन किया. मिल्खा started running so that he could make a better life for himself. वो उसने भागना स्टार्ट किया ताकि वो अपने लिए एक बेटर लाइफ सेट कर पाए. But finally मिल्खा सिंह began to run to excel and to win, and this was trample success. एक्चुअल में वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए भाग रहा था. जब स्टार्टिंग में वो भागा था, वो अपनी लाइफ को सेव कर रहा था, बट वो रनिंग ही उसको बहुत ज़्यादा आगे ले गई थी, उसको सक्सेस पाने में हेल्प बहुत ज़्यादा की थी. ये सुन के आपको उसकी लाइफ का ओवरव्यू तो मिल गया होगा कि उसने कैसी अपनी लाइफ स्टार्ट की थी, कैसे उसने रनिंग करनी स्टार्ट की. चलो आगे हम उसको डिटेल में ही देखते हैं. स्टार्टिंग में उसका बर्थ कहाँ पर हुआ था, हर चीज़ उसके बारे में स्टडी करते हैं. मिल्खा सिंह one of the India's best known athletes and the sports icon was born in a Rajput Sikh family in Gobindpura village in Punjab in present day Pakistan in 1929. Milkha Singh jo tha ek bahut zyada well known athlete hai, sports icon matlab bahut zyada famous hai wo. Rajput Sikh family mein uska birth hua tha, Gobindpura mein jo ab is time mein Punjab mein hai, but सॉरी इन पंजाब में था पहले, अब वो इस टाइम पे पाकिस्तान में है. इन 1929 में उसका बर्थ हुआ था. फॉर स्कूल मिल्खा हैड टू वॉक 10 किलोमीटर्स बेयर फीट टू रीच स्कूल एवरी डे. स्कूल पहुंचने के लिए उसको नंगे पैर 10 किलोमीटर तक भागकर मतलब जाना पड़ता था. क्रॉसिंग बर्निंग सैंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, धूप होती थी, बर्निंग सैंड को क्रॉस करके, एंड वेडिंग थ्रू द टू टनल्स, पानी के बीच में से अपना बैलेंस बना के वो भागता था. बैलेंसिंग हिज बुक्स ऑन हिज हेड, बुक्स को अपने सर पे रख के वो वहाँ से पानी में से गुजर कर जाता था. अनफॉर्चुनेटली हिज फैमिली वॉज कॉट अप इन द वायलेंस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया. अनफॉर्चुनेटली मतलब बदकिस्मती से क्या हुआ था, उसकी जो फैमिली थी वो पकड़ी गई थी वायलेंस मतलब हिंसा जब हो रही थी, तब क्या हुआ, उनकी फैमिली को पकड़ा गया था. मिल्खा पेरेंट्स एंड थ्री ऑफ हिज सिबलिंग्स, उसके मतलब ब्रदर सिस्टर्स, वो वहाँ पे उनकी उसकी आंखों के सामने मारे गए थे, किल्ड बिफोर हिज आईज ड्यूरिंग दिस टाइम. उस टाइम पे एज ही ले डाइंग, जब वो उसका फादर मरा पड़ा था वहाँ पे, मतलब बिल्कुल मरने की हालत पे था वो, तो उसको अपने बोल रहा था उसके बेटे को कि भाग जाओ. मिल्खा's फादर अर्ज मतलब एडवाइस करना हिज 15-year-old सन टू रन फॉर हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के लिए भाग जाओ. अ शेटर्ड मिल्खा एस्केप फ्रॉम हिज विलेज टू द फॉरेस्ट नियर बाय. तो वो वहाँ से बहुत ज़्यादा अपसेट था वो. शेटर्ड का मतलब होता है अपसेट होना. अपसेट होके उस विलेज से निकल कर फॉरेस्ट में चला गया था. वेयर ही स्पेंड द एंटायर लाइफ, वो पूरी रात उसने वहाँ पर ही बिताई थी. अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग ही बोर्डेड अ ट्रेन टू दिल्ली. उस बोर्डेड का मतलब होता है चढ़ना, ट्रेन के ऊपर चढ़ गया था जो दिल्ली की ओर जा रही थी. एंड विद द हेल्प ऑफ पैसेंजर हिड इन द वुमेन्स
कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट एक डिब्बे में छिप गया था वो वेमेन वाले कंपार्टमेंट में। आफ्टर ही रीच दिल्ली, मिल्खा अलॉन्ग विद थाउजेंड ऑफ रिफ्यूजीज लिव्ड इन द दिल्ली एयरवे स्टेशन फॉर नियरली थ्री वीक्स। तीन हफ्तों तक वो वहाँ पे स्टेशन पर ही रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ रिफ्यूजीज थे, रिफ्यूजी मतलब जिनको अपनी कंट्री से निकाला जाता है, जिनको फोर्स किया जाता है वहाँ से निकलने के लिए उस कंट्री से। ही देन फाउंड आउट दैट हिज सिस्टर वाज स्टिल अलाइव थ्रू द लॉस्ट एंड फाउंड अनाउंसमेंट मेड ओवर द लाउड स्पीकर एट द स्टेशन। एक स्टेशन के ऊपर, उस स्टेशन के ऊपर लाउड अनाउंसमेंट हुई थी, तो वहाँ से उसको पता चला कि उसकी जो सिस्टर है वो जिंदा है अभी। ही वॉज रीयूनाइटेड विद हिज सिस्टर। यूनाइटेड का मतलब, यूनाइटेड का मतलब होता है फिर से दोबारा से मिलना, ठीक है। एंड दे मूव टू द रिफ्यूजी कैंप इन पुराना किला। पुराना किला में एक रिफ्यूजी कैंप लगा हुआ था उन लोगों के लिए जो पार्टीशन के टाइम पे इधर उधर हुए थे, वो अपने घरों से निकल पड़े थे और वहाँ पे उनके लिए जगह जगह पर कैंप लगाए गए थे। वो वहाँ पे पुराना किला में वहाँ पे रुके वो, उसकी सिस्टर एंड वो। हाउएवर मिल्खा वॉज सो स्कैर्ड बाय द माइंडलेस वायलेंस दैट ही हैड विटनेस्ड दैट ही थॉट दैट द ओनली ऑप्शन अवेलेबल टू हिम वॉज टू बिकम अ डेकॉट। तो जब ये चीज़ें हो रही थी, लोगों की झगड़ रहे थे लोग एक दूसरे के साथ, मारपीट हो रही थी, मार कुटाई हो रही थी वहाँ पे, माइंडलेस वायलेंस मतलब ना समझ, बिल्कुल ना समझ के वो हिंसा जो बढ़ रही थी वो उसने अपनी आँखों से देखी थी। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, ही वाज स्कैर्ड, डरा हुआ था मतलब। तो उसके पास है, उसी को ऐसा लग रहा था कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ डाकू बनने के बिना। डेकॉर्ड का मतलब होता है डाकू बनना, एक रॉबर का ग्रुप, ठीक है, बैंड मान लो। Fortunately, his brother Malkin persuaded him to stay, try to join the army. तो उसका एक ब्रदर था, उसने उसको पुश किया कि तुम आर्मी ज्वाइन करो। मिल्खा ने एग्री किया, बट वॉज रिजेक्टेड थ्री टाइम। बट वहाँ से उसको निकाला गया था, तीन बार वो रिजेक्ट कर दिया गया था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। बट बाय दिस टाइम मिल्खा हैड डेवलप अ फियर्स डिटर्मिनेशन एंड ड्राइव दैट वॉज टू बिकम द हैलमार्क ऑफ हिज लाइफ। उसके बाद उसने उसको चैलेंज एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया एंड वो चाहता था कि फेयर्स मतलब भयंकर डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ इरादा, बहुत ही मजबूत इरादा बना दिया था कि आर्मी में वो सिलेक्ट होकर ही रहेगा। ही मोटिवेटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को मोटिवेट किया एंड उसने दोबारा फिर से ट्राई एंड वॉज फाइनली सिलेक्टेड टू ज्वाइन द आर्मी इन 1952 ऑन द फोर्थ अटैम्प्ट। उसने अपने चौथे अटैम्प्ट में वो आर्मी ज्वाइन की इन 1952 में। मिल्खा सिंह ज्वाइन द आर्मी एज अ टेक्निकल जवान एट द इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेंटर इन सिकंदराबाद। This was a life-changing event as Milkha was selected by the army for special training in athletes after he finished sixth in the compulsory cross-country runs for new recruits. तो उसके बाद क्या हुआ, उसको एक आर्मी में एज अ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर सेंटर में वहाँ पर रखा गया था। तो ही वॉज द फर्स्ट चैलेंज, तो ये जो था उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चेंजिंग मूमेंट बन गई थी एंड उसको सेलेक्ट कर दिया गया था। स्पेशल ट्रेनिंग जो हो रही थी एथलीट्स के लिए, तो उसने भी जो नए रिक्रूट्स, नए न्यू रिक्रूट्स का मतलब वो जो नए भर्ती किए गए लोग थे, उन्होंने कंपलसरी था उनको कि उन्होंने क्रॉस कंट्री रन करनी है। क्रॉस कंट्री का मतलब होता है कि ऐसी जो लैंड जहाँ पे मड ग्रास हो वहाँ पे रनिंग करनी होती है। वो जब उसने फिनिश की अपनी, तो उसके बाद स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में उसको भेजा गया था। Milkha later acknowledged that before joining the army, he did not know much about running. तो उसको पता चला कि आर्मी ज्वाइन करने से मतलब आर्मी जब उसने ज्वाइन की उससे पहले उसको नहीं पता था उस रनिंग के बारे में। जब उसने ज्वाइन कर ली थी उसके बाद उसको काफ़ी कुछ उसके बारे में पता चला एंड हैड नेवर हर्ड ऑफ द ओलंपिक्स। उसने कभी भी ओलंपिक्स के बारे में नहीं सुना था सिंस ही हेल्ड फ्रॉम द रिमोट विलेज। क्यों नहीं उसको इस चीज़ के बारे में, ओलंपिक्स वगैरह के बारे में नहीं पता था, क्योंकि वो मतलब पिछड़े इलाकों से आया हुआ था। आफ्टर ज्वाइनिंग द आर्मी, आर्मी ज्वाइन करने के बाद
मिल्खा बिगिन हिज एथलीट ट्रेनिंग इन द अर्नेस्ट विद हिज फर्स्ट कोच हवलदार गुरुदेव सिंह। हवलदार गुरुदेव सिंह नाम का एक आदमी था वहाँ पर, उसके अंडर वो एक कोच था उसका, उसके अंडर उसने एथलेटिक्स की ट्रेनिंग ली थी। ही रैन बेयर फुट एज ही डिड नॉट हैव रनिंग शूज़ और द ट्रैक सूट्स। उसके पास ना ही कोई ट्रैक सूट था, ना ही कोई ट्रैक शूज़ थे, ना ही सूट था, तो उसने बेयर फुट मतलब नंगे पाँव वो भागता था। ऑल ही हैड वॉज हिज अनॉर्मस विल पावर। बस सिर्फ उसके पास था क्या, जो इच्छा शक्ति जो होती है हमारी, विल पावर, अनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा, उसके पास विल पावर थी कुछ पाने की, चाहत होना, ठीक है। गाइडेड एंड मोटिवेटेड बाय हिज कोच, उसको कोच ने बहुत ज़्यादा गाइड किया, मोटिवेट किया। मिल्खा रैन ऑन द हिल्स सैंड ऑफ यमुना रिवर एंड इवन अगेंस्ट द स्पीड ऑफ मीटर गॉज ट्रेन। एक ट्रेन होती है उसकी स्पीड के ऊपर भी वो भागता रहा, रिवर की सैंड के ऊपर भी वो भागा, हिल्स के ऊपर भी भागा। व्हेन ही स्पोक अबाउट दिस लेटर ऑन मिल्खा सेड, इसके बारे में जब उसने बाद में कोई बात की तो पता उसने क्या बोला, ही सेड आई वुड रेस अगेंस्ट द मीटर गॉज ट्रेन दैट क्रिस क्रॉस द सिकंदराबाद लोकेलिटी सच एज बोलारम कवलरी बैरक। ये जगह के नाम है वहाँ पर जो क्रिस क्रॉस मतलब इधर उधर जाएगी वो ट्रेन, तो वो भी उसके साथ कम्पीट कर सकता है, रेस लगा सकता है। मिल्खा वर्कड हार्ड एंड पुश्ड हिमसेल्फ सो मच दैट देयर वाज डेज व्हेन ही फेटेड ऑन द ट्रैक ड्यू टू एग्जॉस्टन। एग्जॉस्टन का मतलब होता है थकावट से, फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, ठीक है। मिल्खा सिंह जो था उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश किया कि उसने कि जीतना ही है जीतना। तो मतलब उस जब वो ये इतनी ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रहा था, वो ट्रैक के ऊपर फेंट होके गिर गया था ड्यू टू एग्जॉस्टन, थकान की वजह से। ऑन अकेजन ही इवन वॉमिटेड, उस टाइम पे उसने इवन के वॉमिटिंग भी की ब्लड की ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग, बट नेवर गेव अप। वॉमिट भी हुई बहुत ज़्यादा, मतलब उसने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली थी, बट उसने कभी भी हार नहीं मानी। मिल्खा शोड इज एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सर्विस एथलेटिक मीट्स 1955 व्हेन ही फिनिश्ड सेकंड इन 200 मीटर एंड 400 मीटर रेस इवेंट। तो उसने फर्स्ट टाइम अपना ये टैलेंट दिखाया था, कहाँ पर दिखाया था, सर्विस एथलेटिक मीट्स जो हुई थी 1955 में, उसने 200 एंड 400 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया था एंड सेकेंड नंबर पर उसकी पोजिशन थी। ही बेटेड हिज टाइमिंग, बेटेड मतलब उसने और ज़्यादा अपनी जो टाइमिंग थी रेस को कंप्लीट करने की उसको इम्प्रूव किया एंड वॉन बोथ द इवेंट्स एट नेशनल गेम इन 1956 हेल्ड एट पटियाला। पटियाला में जो नेशनल गेम्स हुई थी तो वहाँ पे उसने वो दोनों चीज़ें कवरअप करके वो जीत गया था। मिल्खा वेंट ऑन टू ब्रेक द 200 मीटर एंड 400 मीटर रिकॉर्ड इन नेशनल गेम्स इन 1958 हेल्ड एट कोटक। तो उसके बाद वो गया का उस अपना जो 200 एंड 400 मीटर का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ने के लिए कोटक गया था। ही क्लॉक्ड अ वर्ल्ड क्लास टाइमिंग 46.1 सेकंड एट 400 मीटर एट नेशनल गेम इन 1960। जो नेशनल रिकॉर्ड था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, मतलब वो क्या था, 46 वाली टाइमिंग तक वो पहुंच गया था जब उसने नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया इन 1960। जब उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तक वो पहुंच गया था तो उसको सेलेक्ट कर लिया गया था जो ओलंपिक्स जो होती हैं। मिल्खा रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द मेलबर्न ओलंपिक गेम्स। मेलबर्न मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो गेम्स हुई थी ओलंपिक गेम्स, वहाँ पे उसको सेलेक्ट किया गया था एज इंडिया को वो रिप्रेजेंट करने के लिए गया था इन 1956। दिस वॉज हिज फर्स्ट ओलंपिक इवेंट and he did not fare too well due to his inexperience and lack of international exposure. उसने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था क्योंकि ये उसका पहला टाइम था, फर्स्ट टाइम था ये उसका, एंड उसको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा कम था क्योंकि वो कभी बाहर ही नहीं गया था एंड इंटरनेशनल एक्सप्लोजर, वो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में पहले कभी नहीं गया था। However, he learned a lot from the competition. बट उसने वो कंपटीशन से बहुत ज़्यादा कुछ सीखा एंड दिस हेल्प्ड हिम टू प्रिपेयर वेल फॉर द फ्यूचर मीट्स। एंड इस चीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा हेल्प की उसके आगे वाली जितने भी एथलेटिक मीट्स होनी थी उसमें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओकेजन इन द मिल्खा करियर अराइव्ड इन फॉर्म ऑफ
रोम ओलंपिक्स गेम्स एंड 1960। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट उसके लिए ओकेशन था, टाइम था, उसके करियर को जिसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, वो कौन सा टाइम था जब उसको सिलेक्ट किया गया रोम ओलंपिक गेम्स में 1960। इन द फर्स्ट हीट ऑफ 400 मीटर रेस, पहली जो हीट थी 400 मीटर रेस की, मिल्का कवर्ड रेस इन 47.6 सेकेंड्स एंड फिनिश्ड सेकेंड, सेकेंड नंबर पे वो आया था। सेकेंड हीट जो थी उसने कवर की, इसने इम्प्रूव की अपनी टाइमिंग एंड ग्रैब द सेकेंड पोजीशन अगेन, फिर से उसको सेकेंड पोजीशन मिली विद द टाइमिंग 46.5। नेक्स्ट, कार्ल कॉफमैन ऑफ जर्मनी हेड आउटक्लास्ड हिम दिस टाइम, आउटक्लास्ड मतलब वो आगे बढ़ गया था। इन द सेमीफाइनल हीट, जो सेमीफाइनल हीट थी उसमें क्या हुआ, ही स्टिल फिनिश्ड एट सेकेंड प्लेस, उसने अपनी रेस को सेकेंड प्लेस पे ही कंप्लीट किया था, मतलब सेकेंड पोजीशन ही आई थी। ऑल दो दिस टाइम ही फर्दर इम्प्रूव द टाइमिंग विद 45.9 सेकेंड्स, बीटन ओनली बाय द ऑलिस डेविस ऑफ यूएस, यूएसए का एक आदमी था उसका नाम था ऑटिस डेविस, उसने ही सिर्फ उसको डिफीट किया था, बीट किया था मतलब हराया था, और कोई उसके नज़दीक नहीं आया था, मतलब 45.9 का उसका रिकॉर्ड बना। इन द फाइनल राउंड ऑफ कोवेटेड रेस, उस रेस की जो फाइनल जो राउंड था, मिल्का वेंट ऑफ लाइक एन एरो, एक जैसे तीर कमान से एरो निकाल कर फेंकते हैं ना, इस तरीके से इतनी स्पीड के साथ वो निकला एंड लेफ्ट ऑल द कॉम्पिटिटर बिहाइंड टिल द डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर। 450 मीटर तक ही जब पहुंचा था उसने अपने सारे जितने भी साथ वाले कंपटीटर्स थे उन सबको पीछे छोड़ दिया था। इट वॉज देन दैट ही मिसकैलकुलेटेड हिज ओन स्पीड, ये वो टाइम था जब उसने अपनी ही स्पीड को मिसकैलकुलेट कर लिया था, कि उसने वो लगा कि वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, कि वो उसको कवर अप नहीं करेंगे, उसका लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ, एंड कमिटेड द ब्लंडर ऑफ स्लोइंग डाउन अ बिट, ब्लंडर मतलब गलती, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती उसने कर दी थी अपने आप को थोड़ा स्लो करने पे। ऑल दो ही ट्राइड वेरी हार्ड टू रिकवर, उसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था उसको कवर करने का, बट द अदर ओपोनेंट हु हैड लेग्ड बिहाइंड कॉट हिम अप, जो उसको पीछे पहले जिनको छोड़ के आया था वो उसको कवर अप कर गए थे। द कॉम्पिटिशन वॉज सो टफ दैट द आर्टिस डेविज एंड कार्ल कॉफमैन क्लॉग्ड 44.8 सेकेंड्स, वाइल मेलकॉम स्पेंट ऑफ साउथ अफ्रीका कवर द रेस इन 45.5 सेकेंड्स। मिल्खा हु वॉज इनिशियली लीडिंग द रेस फिनिश जस्ट 0.1 सेकेंड लेटर देन स्पेंट्स क्लॉकिंग 45.6 सेकेंड, मतलब ये उसका पूरा रिकॉर्ड बताया गया है कि उसके आगे जो जो भी निकले थे उन्होंने कितने टाइम के ऊपर अपनी रेस को कंप्लीट किया था। जो थर्ड नंबर पे आए थे मॉलकॉम स्पेंच, उससे सिर्फ एक सेकेंड वो पीछे रह चुके थे। द डिफरेंस वॉज 100 मिनट, 100 मिनट मतलब बहुत ही ज़्यादा कम था। दैट द विनिंग अनाउंसमेंट वॉज अनिशियली हेल्ड अप एंड डिक्लेयर्ड आफ्टर अ फोटो फिनिश, एंड डिक्लेयर कर दिया गया था कि कौन विनर है। दस मिल्का वॉज अ फेवरेट फॉर गोल्ड मेडलिस्ट, लॉस द ब्रॉन्ज मेडल बाय अ विस्कर, तो थोड़ी सी उसकी गलती की वजह से वो जो जिसको आदत थी गोल्ड मेडल लेने की, अब उसको ब्रॉन्ज भी नहीं मिला था, मतलब थर्ड प्राइज भी नहीं मिला। तो उसके बाद क्या हुआ, बट उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मिल्का वॉन गोल्ड मेडल इन बोथ द 200 एंड 400 इवेंट्स एट टोक्यो एशियन गेम्स इन 1958 में जो टोक्यो एशियन गेम्स हुई थी उसमें उसको 200 मीटर एंड 400 मीटर रेस में दोनों में गोल्ड मेडल मिला था। एट द कैडिफ कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड द सेम ईयर ही वॉन अनदर गोल्ड मेडल, जब ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी उसमें भी उसको गोल्ड मेडल ही मिले थे। ड्यूरिंग द 1950s सिंह्स बिगेस्ट राइवल वॉज अब्दुल खालिद, ये एक नाम का बंदा था जो उसके बहुत ज़्यादा मतलब राइवल था, मतलब बहुत ज़्यादा दुश्मन, बड़ा दुश्मन था, रनर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का वो रनर था। एंड 1960 द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन्वाइटेड मिल्खा सिंह टू कम्पीट इन पाकिस्तान, तो 1960 में क्या हुआ, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट थी उसने मिल्खा सिंह को पाकिस्तान में बुलाया था कम्पीट करने के लिए, कॉम्पिटिशन करने के लिए, रेसिंग के लिए। बट मिल्खा हु वॉज स्टिल स्कैर्ड बाय हिज टेरिबल मेमोरीज ऑफ पार्टीशन रिफ्यूज्ड, तो क्या हुआ, मिल्खा सिंह ने बहुत ही ज़्यादा वो मोमेंट जो अपनी आंखों से देखी थी, इट वॉज़ रियली वेरी टेरेबल
डरावनी थी वो, स्कैरी थी वो मेमोरीज उसके दिमाग में फिर से आ गई थी एंड उसने मना कर दिया वहाँ पे जाने के लिए. इट वॉज ओनली आफ्टर देन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू परस्यूड हिम दैट सिंह एग्री टू गो टू पाकिस्तान. तो क्या हुआ उस टाइम के ऊपर, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उसको एडवाइस किया जाने के लिए, मतलब हिम्मत दी उनको जाने के लिए कि तुम जाओ. तो उसके बाद वो एग्री हो गया था पाकिस्तान जाने के लिए. वन ऑफ द स्पेक्टेटर कौन होते हैं, जो देखते हैं, व्यूअर्स, हु टर्न अप टू सी खालिफ एंड सिंह कम्पीट वॉज जनरल अयूब खान. वो कौन था, अयूब खान था जो इन दोनों को देखने के लिए आया था. वो कौन था, प्रेसिडेंट, पाकिस्तान सेकंड प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का वो सेकंड प्रेसिडेंट था. सिंह वॉन द रेस, मतलब मिल्खा सिंह जो थे वो, उन्होंने ये रेस जो थी जीत ली थी. एंड व्हेन खान वाज गिविंग अवे द मेडल ही टोल्ड सिंह एडमायरिंगली, यू डिडंट रन टुडे, यू फ्लू. तो जब उसको मेडल मिल रहा था, वो जो खान था उसने उसको बोला मिल्खा सिंह को कि तुम आज भागे नहीं, यू जस्ट फ्लू. फ्लू मतलब उड़े थे. दिस रिमार्क गिव मिल्खा सिंह द निकनेम, इस तरह से उनको नेम मिल गया, एक निकनेम मिल गया फ्लाइंग सिख का. दैट वॉज रिमेन विद हिम फॉर एवर, जो उनके साथ हमेशा रह रहा है और अब भी हम उनको फ्लाइंग सिख की तरह ही जानते हैं. In 1958, the government of India bestowed the Padma Shri, the fourth highest civilized award of our country, on Milkha Singh to honor his outstanding athletic performance. तो 1958 में हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पद्मश्री अवार्ड जो था उनको प्रोवाइड किया, प्रदान किया गिफ्ट में. द फोर्थ हाइएस्ट जो ये अवार्ड है उसके बारे में बताया गया कि इट इज़ द फोर्थ हाइएस्ट सिविलाइज अवार्ड. चौथे नंबर पे आता है ये हमारी कंट्री में जो सिविलाइज अवार्ड्स होते हैं. ऑन मिल्खा सिंह टू ऑनर, उनकी जो बहादुरी थी उसको ऑनरशिप ऑनर करने के लिए, एथलेटिक परफॉर्मेंस को, आउटस्टैंडिंग और एथलेटिक परफॉर्मेंस जो थी उसको अप्रिशिएट करने के लिए उनको ये अवार्ड मिला. सिंह हैज़ डोनेटेड ऑल द मेडल्स he has won to the Indian government and they are all on display at the sports museum in Patiala. तो जितने भी उनके पास medals थे वो सारे के सारे उन्होंने government of India उनको दे दिए थे. and वो सारे medals जो हैं वो अब इस time पे sports जो museum Patiala में बना हुआ है वहाँ पे display किए गए हैं. in 2013 a film भाग मिल्खा भाग बेस्ड ऑन सिंह लाइफ वॉज रिलीज्ड. 2013 में मूवी भी आई थी भाग मिल्खा भाग के नाम से, जो पूरी की पूरी उसकी सिंह की लाइफ के ऊपर थी, कैसे उन्होंने अपना ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था. द फिल्म विच स्टार्ड एक्टर फरहान अख्तर एज अ मिल्खा सिंह. फरहान अख्तर नाम का जो एक्टर है उन्होंने लीडिंग रोल प्ले किया था मिल्खा सिंह का एंड गेव द पब्लिक अ चांस टू वॉच द इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ अ ट्रू champion who had battled hardship and challenged to become the legend in his own lifestyle. तो इस तरीके से उन्होंने एक मौका दिया लोगों को मिल्खा सिंह की लाइफ के बारे में जानने का एंड उनकी हार्डशिप जो थी, जैसे उन्होंने अपना चैलेंज को एक्सेप्ट किया था एंड अपनी लाइफ को एक लेजेंडरी बना दिया था. बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग मूवी थी, उसकी जो जर्नी थी मिल्खा सिंह की, इट वॉज़ रियली वेरी इंस्पायरिंग. आई होप आप भी इससे बहुत कुछ सीखोगे. हमें कभी भी अपनी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए, हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए. ट्राई करेंगे तो सक्सेस भी मिलेगी. सो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए मन में कि दैट वी हैव टू डू इट, आई विल डू इट. ओके, थैंक यू सो मच एंड डू योर हार्ड वर्क. ऑल द बेस्ट.